हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, आपका स्वागत है मिशन आर्म्ड फोर्सेस चैनल पर। और हमारे प्रोग्राम रह गए थे, चलिए प्रोग्राम करते हैं आगे। तो पहला प्रोग्राम देखिए क्या है कि 5 डिजिट का नंबर जो है यूजर देगा, हमें उसकी डिजिट को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर क्या करना है, उसका सम बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। CTRLN hashtag include stdio.h int main और क्या नाम है ये हो गया इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो हमें नंबर जोड़ना है, तो इंटीजर ले लेते हैं ए बी। ए तो जो वो नंबर हो गया, बी एक बार हमें मॉड्यूलस करना है 10 का और एक सी। तो आपको मैं लूप से बता देता हूँ, इससे आप कोई भी नंबर कर पाओगे। तो हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज करेंगे, पहले उससे 5 डिजिट का नंबर अंदर ले लेते हैं। तो प्रिंट एफ एंटर 5 डिजिट नंबर। एन एफ परसेंट डी एड्रेस किसका देना है, ए का। ठीक है, ये आ गया 5 डिजिट का नंबर। अब हम यहाँ पे लूप लेंगे वाइल, यहाँ पे कंडीशन लगती है आगे। कंडीशन में हम ले रहे हैं आपका ए नंबर है ना, तो ए जब लेस देन हो किससे, ए जब लेस देन हो किससे, 10 से, जब ये लूप काम करेगी। तो ये होता है इसका सिंटैक्स, ये जो है देखो इतना, ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, जो भी लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पे कंडीशन होती है किस कंडीशन पे चलनी चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये नहीं चलेगी। ये लेस देन नहीं होगा, शायद ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि जब आखिरी डिजिट बचेगी तो आखिरी डिजिट 10 से कम होगी, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें जो है यहाँ पर बी में कुछ बी इक्वल टू 0 मान लेते हैं या 1 देखते हैं, बी इक्वल टू 1 मान के देखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू ए मॉड्यूलस बाय 10, इससे हमें क्या मिलेगी, आखिरी डिजिट मिलेगी। और वो जो आखिरी डिजिट है वो बी में जानी चाहिए, बी में चली गई है वो। ठीक है, अब जो है बी में चली गई, तो हमें क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं करना। तो पहला तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, जो भी ए है उसे ए डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ करी है, पहले तो देखो, मान लो 1 2 3 4 5 रखा, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। 5 आने के बाद जो है बी की वैल्यू 5 आ चुकी है, और 5 आने के बाद जो है 5 यहाँ से मतलब 1 2 3 4 अब यहाँ पर डिजिट बचेगी। इसके बाद फिर लूप फिर से ऊपर जाएगी और फिर से शुरू होगी। प्रिंट एफ हमें बिल्कुल लास्ट में करना है, प्रिंट एफ बिल्कुल लास्ट में करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और हमें सी का भी उपयोग करना है। तो सी में वैल्यू कैसे जाएगी, तो यहाँ पे लूप हो जाएगी खत्म। मान लो एक मिनट मैं करके देखता हूँ, आपको भी दिखाई देता हूँ। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो जब हम इसे ए मान रहे हैं और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा,
पांच बी में जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 से डिवाइड, तो बचेगा 1 2 3 4, ये हो गई अब ए की वैल्यू। अब हम इसका फिर से मॉड्यूलस करेंगे, अब आएगी बी की वैल्यू 4। हाँ तो सी जो है, हमें सी जो है 0 ले लो, सी की इनिशियलाइज कर लो 0, हमें डिजिट का सम निकालना है ना यहाँ पे, तो सी को जो है 0 मान लो, ठीक है जी। मैं भी आपको समझा दूंगा, पहले देख लेते हैं। सी इक्वल टू 0 मान लो। अब सी यहाँ पर क्या होगा, सी इक्वल टू सी प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं प्रिंट एफ सम ऑफ डिजिट्स एज, ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन 5 नंबर इज परसेंट डी, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, सी, चलो ये हो गया। यहाँ पे स्लैश एन लगा लेते हैं जो कि आपको अच्छा दिखे, ठीक है। अब ट्राई मारते हैं, सी टी आर एल एस यूट्यूब 7.c। चलिए तो पहले कर लेते हैं रन, हाँ पहले कर लेते हैं कंपाइल, अब करते हैं रन। तो देखो 5 डिजिट का नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर क्या है, 14। तो ये आखिरी वाला नंबर निकल रहा है, तो यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी है। मान लो ए ग्रेटर देन जब तक 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है। चलो एक बार और चेक करते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो अभी ये 15 आ रहा है, सही आ रहा है। अब आप कोई चाहे तो हम एक बार गिन के भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट रुको। सी टी आर एल प्लस 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 कहाँ चलेगा भैया। तो देखो गाइज, हमने लिया था नंबर 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, 5। ये रहा 5 और ये रहा 1 और 5, तो 15 आ गया, तो 15 आंसर आ गया। अब आप इसमें कुछ भी डालोगे, कोई भी नंबर डालोगे तो उसका आंसर दे देगा। अब आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने अपना सिंटैक्स लिखा, हैशटैग इंक्लूड एसटीयू डॉट एच आईएनटी मेन और ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद हमने तीन वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं, मतलब तीन बाल्टियाँ ली हैं और तीनों इंटीजर हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिंट एफ से हमने पहले 5 डिजिट का नंबर अंदर लिया और वो नंबर हमने एक ही बाल्टी में डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते हम, ये चीज़ आपको कितनी बार लिखनी पड़ती, 5 बार, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है, तो इस चीज़ को आप 5 बार प्रिंट करते, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये लूप से बता दिया है, वाइल लूप हमने यहाँ पे लगाई है। तो वाइल लूप कैसे होती है देख लेते हैं, ये भी देखिए ऐसा होता है वाइल, ठीक है, वाइल लिखो उसके आगे ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में कंडीशन होती है कि जो भी चीज़, मतलब जो भी कंडीशन है हमारी जिस पे ये लूप चलेगी, लूप की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और इसके आगे कॉमा नहीं लगाना कभी ये वाला, ठीक है, ये कॉमा नहीं लगाना। और इसके आगे कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस में आप लिखोगे जो भी आपको, अगर ये ट्रू होता है तो ये करना है जो भी इसके अंदर लिख रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो तो ए जो है ग्रेटर देन 0 है जब तक ये लूप काम करेगी। तो पहले इसके अंदर नंबर गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जैसे अंदर गया, तो यहाँ पर जब हमने ए मॉड्यूलस 10 करा तो 5 आएगा। हाँ तो चाहे आप इसे करके देख लेना, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। फिर 5 की वैल्यू जो है यहाँ पर बी में चली गई, यहाँ पर देखो बी लिख रहा है ना, बी में चली गई, और हमने क्या करा इस नंबर को डिवाइड कर दिया। अब जब ये नंबर डिवाइड होगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 नंबर चला गया, ठीक है, यहाँ पर सी की वैल्यू हमने इनिशियली 0 ले ली। अब 0 में जब 5 प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,
अब ये ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि देखो अगली बार जो है ये नंबर तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो ये जो नंबर है सी में चला गया, और सी का नंबर यहाँ पे पहली 5 है, और अब जो बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 4 होगी, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो आखिरी में क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा क्या, 12। 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, ये करेंगे मॉडुलस, तो क्या आएगा रिमाइंडर 2, ठीक है, 2 भी आ गया। फिर जो आखिरी है वो है बचेगा 1, 1 भी 0 से ग्रेटर है, तो 1 का जब रिमाइंड वो करेंगे इसका, तो 1 आएगा आंसर, और 1 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसलिए ए ग्रेटर देन 10 पे गलत आ रहा था आंसर, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, जब तक 0 से बड़ा है, क्योंकि आखिरी डिजिट भी तो एक ही बचेगी, 1, जब भी तो 1 आ पाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है पूरा देखो 1 2 3 4 5 ये खत्म हो तो जाएगा, तो 12 बचेगा आखिर में, फिर बचेगा 1, और 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, जब ये 15 आंसर देगा। अब चाहे इसमें आप अलग नंबर भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप इसमें ना, 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट का भी नंबर ट्राई कर सकते हो। देखो 100 डाल रहा हूँ, 1 आ रहा है, सही है, क्योंकि अब ये जो हमने ये जो बनाया है ये लूप से बनाया है, तो इसमें ये कोई भी डिजिट के लिए काम कर सकता है। अगर आप इसे प्रिंट एफ से बनाते, मतलब इस कोड को वापस कॉपी कॉपी करते, तो ये सिर्फ 5 डिजिट के नंबर के लिए ही वो 5 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के नंबर के लिए ही करता काम, लेकिन अभी ये किसी के लिए भी कर सकता है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ 2568, देखो कितना बड़ा नंबर डाल रहा हूँ। सम ऑफ गिवन 5 डिजिट नंबर इज 0, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है शायद हमने ज्यादा बड़ा डाल दिया इसकी रेंज से भी, इस वजह से। चलिए नंबर थोड़ा छोटा डालते हैं, 5 6 4 2 8, देखिए आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, 5 प्लस 6 प्लस 4 -2, देखो गाइस 25 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये काम कर सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा नंबर रेंज में होने चाहिए, आपको रेंज बताई थी ना इसकी, वो रेंज में, क्योंकि ये भैया मशीन है। देखो दूसरा, इफ़ा 5 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू कीवर्ड राइट अ प्रोग्राम। अब हमें रिवर्स करना है नंबर को, मतलब कि अगर हम ये नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसका उल्टा प्रिंट होना चाहिए 5 4 3 2 1। तो इसके लिए क्या है, इसी कोड में चेंज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसी कोड में चेंज करेंगे हम। तो 5 डिजिट का नंबर ले लिया हमने, यही लूप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सी की जगह क्या करते हैं, सी इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सी इक्वल टू 1, 1 इंटू बी, वो सी इंटू 10 ये ब्रैकेट में, प्लस बी। मान लो जो यहाँ से सी की वैल्यू हमें 1 लेनी है या 0, तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू अभी तो 0 लेनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू 0 लेनी चाहिए, क्योंकि वरना तो ये नंबर 10 से ज़्यादा आएगा, जब ये देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या है, 5, तो 5 आ गया, फिर जब आएगा 4, 4 तो सी की वैल्यू 5 है, 5 में 10 की मल्टीप्लाई होगी 50, 50 में 4 जुड़ेगा 54, तो देख रहे हो आप ये नंबर कैसे उल्टा हो रहा है, फिर से मल्टीप्लाई होगी 10 की, तो 540, 54 यहाँ पे आएगा 3, 543 ऐसे यहाँ पे आएगा 2, 5432 और 5 4 3 2 1, रिवर्स हो जाएगा नंबर, तो ये 0 ही होना है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अभी आंसर दिख जाएगा आपको खुद ही, जस्ट वेट, ठीक है। देखो इतना सा चेंज करा है बस कोड में, 1 2 3 4 5, देख लो 5 4 3 2 1, ठीक है। दूसरा भी बनवा दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसमें इसमें चेंज करना था। देखो यह है लॉजिक, इसे लॉजिक कहते हैं, बस इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, वो तो पता होगा आपको, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये तो बहुत आसान है। चलो इसके लिए नया प्रोग्राम बना लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड
एससीडीओ डॉट एच आईएनटी मेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है वो इंटीजर ले लेते हैं, क्या चाहिए हमें? एक तो एरिया के लिए एरिया ले लो, बेस चाहिए, हाइट चाहिए, यही है ना? हीरोन फॉर्मूला लगेगा, इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनपुट। हाँ तो हीरोन फॉर्मूला लगेगा जी। मान लो ट्रायंगल के तीनों साइड ए बी सी और एक एस, क्योंकि हमें सेमी पेरीमीटर भी निकालना पड़ता है ना इसमें। और क्या नाम है एरिया, एरिया को मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए टी। तो तीनों साइड अंदर ले लेते हैं, प्रिंट एफ राइट फर्स्ट राइट ए साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। स्कैन एफ परसेंट डी, इंटीजर है क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ही जगह डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, कॉपी पेस्ट सी टी आर एल सी, सी टी आर एल वी, सी टी आर एल वी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी करो। यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है यहाँ पर सी कर दो, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर निकलता है पहले तो। एस सेमी पैरामीटर क्या होता है, एस एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इन्हें न्यूमिरेटर को हमेशा किसमें, ब्रैकेट में, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, ठीक है। उसके बाद एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमें रूट यूज करनी पड़ेगी, रूट यूज करनी पड़ेगी। तो एरिया इक्वल टू हैशटैग इंक्लूड मैट डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। तो पावर भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन एस क्यू आर टी कर लेते हैं, स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, एस एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस ए बाहर आएगा, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, ठीक है गाइस। तो ये रहा, और इसे भी ब्रैकेट में डाल लो, ब्रैकेट में डाल लो यहाँ से पूरे को, क्योंकि हमें इसके बाहर रूट चाहिए ना, ठीक है। तो देखो ये सब अंदर है रूट के, एस क्यू आर टी, और एक बार चेक कर लेते हैं एस क्यू आर टी है ना। एस क्यू आर टी, ठीक है, एस क्यू आर टी ब्रैकेट में यही लगाया ना हमने, ठीक है। तो प्रिंट एफ करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट डी, एरिया प्रिंट कर दिया, ये हो गया सी टी आर एल आर एल सी टी आर एल जेड, ठीक है। हमने कर लिया सी टी आर एल एस यू ट्यूब एट डॉट सी, ठीक है। कंपाइलेशन में कुछ एरर, हैशटैग इंक्लूड मैट डॉट एच है, क्या दिक्कत हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी वाई टू,
अच्छा हमने ए टी की जगह ए आर लिख दिया, यहाँ पर वेरिएबल का नाम गलत डाल दिया गाइस, इसका ध्यान रखा करो, ये छोटियाँ गलतियाँ आपसे भी होंगी। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इन फंक्शन मेन कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज एस इज नॉट फंक्शन, एस इज नॉट अ फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर दिया। गाइस ये तो कर ही नहीं रहा, एसक्यूआरटी काम ही नहीं कर रहा यहाँ। चलो कोई नहीं, फिर हम पावर का यूज कर लेते हैं। अरे यार ये तो वापस ले लो, काम कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं ना। एच टैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसने ऊपर नीचे करने से भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, मतलब इन्हें ऊपर नीचे कर लो कभी कभी, क्योंकि तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है ना। अब भी गलत बता रहा है, तो चलो पावर का यूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर रूट तो काम करनी थी, पी ओ डब्ल्यू, अभी आपको दिखाया भी है मैंने किताब में, यही लिख रहा है, एस क्यू आर टी मैथमेटिकल फंक्शन, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, यही लिख रखा है ना, हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच, लेकिन चल कर आए वो पी ओ डब्ल्यू यूज कर लेते हैं हम। पी ओ डब्ल्यू का ये है कि एक ब्रैकेट और लगाओ पहले, तो कॉमा लगाओ, फिर लिखो कितनी पावर चाहिए। पावर चाहिए हमें 1/2, ये करो बंद, देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। गाइस कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और सब चीजें सही दिख रही हैं आपको, ये भी काम नहीं कर रहा है। रूट में एस अपॉन एस माइनस है, एस माइनस भी एस माइनस सी आना चाहिए, दिक्कत लेकिन एस में बता रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट एस नोट अ फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर। फ्लोट में डाल के देखें इसे, गाइस कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, हाँ, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, देखा गाइस कितनी एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ करना पड़ा, शायद एसक्यूआरटी चल जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ही थी, एसक्यू आर टी स्क्वायर रूट, अब बस इसे हटा दो वन को। तो गाइस इसमें बहुत संभाल के खेलना पड़ता है, ये सी लैंग्वेज है।
ठीक है, देखो कोई एरर नहीं है, इतनी छोटी सी यहाँ पर ये नहीं था ना निशान, इससे इसकी वजह से एरर था बस। अब देख लो स्लैश एन लगा लेते हैं पहले, अच्छा बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहली साइड 1, दूसरी 2, तीसरी 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, ये तो डिजिट वाला है, सम ऑफ डिजिट्स। ओके सबका एरिया 0 आ रहा है भाई, मतलब कुछ गलती हो रही है अब भी। क्या गलती हो रही है? एस एस माइनस है, मैं चाहिए 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 3 4 5 रख के देखें। हाँ तो गाइज हम साइड गलत रख रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 4 5 वाला एक क्या नाम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट, जिससे इसका आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, चाहे तो करके देख लेना, अगर आप साइड गलत रखोगे तो आंसर 0 दिखाएगा ये, और चाहे आप उसे निकाल के देखोगे तो भी 0 ही आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ नहीं रख सकते, ट्रायंगल की कंडीशन होती है दो साइड का सम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तीसरी वाली से। तो ये हो गया आपका ये वाला भी, अगला करते हैं। अगला देखिए क्या, राइट अ प्रोग्राम टू रिसीव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई देगा वो और कन्वर्ट देम इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, और हमें उसे पोलर कोऑर्डिनेट में करना है आर और फाई में। तो आ रहा है एस क्यू आर टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फाई है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लिया, अब करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इस वाले को हटाओ, int main। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ये हो गया, अब इंटीजर क्या लेना है, एक्स वाई, और जो कह रहा है वो निकालने को ये वाला साइन, ये वाला साइन तो है ही नहीं कीबोर्ड में, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। देखो आ ही नहीं रहा इसमें भी, तो ब्रैकेट लग रही है। आप एक काम करो, इसकी जगह दूसरा साइन ले लो कोई, एट द रेट ले लो, और क्या नाम है दूसरा, क्या चाहिए हमें, आर, ठीक है आर, ये हो गया। अब राइट कोऑर्डिनेट वो प्रिंट एफ सेंड लो एक्स वाई को,
राइट वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट।